सो डी एल एफ के अंदर लास्ट वीक में जिस तरह का मैसिव गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैसिव गिरावट तो नहीं आ, मोटा मोटी देखता हूँ तो आठ दस परसेंट का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है राइट बड़ी टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया सा चार्ट का स्ट्रक्चर था और जो भी मेरा एनालिसिस जो लोग जानते हैं करेक्ट फिर स्टूडेंट लोग हैं ये स्टॉक को जरूर से आप लोग एनालिसिस कीजिए ठीक है अब यहाँ पर जिस तरह के का प्राइजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे करेक्ट चार्ट्स के ऊपर इतनी खराबी नहीं है हुई है अभी करेक्ट ये जो फॉल आया है वो फॉल के अंदर अपॉर्चुनिटी है क्या है फॉल के अंदर अपॉर्चुनिटी तो मेरा व्यू किस तरह से इस स्टॉक के अंदर बैठ रहा है मैं आपको जरूर से बताता हूँ यहाँ से मैं देख रहा हूँ प्राइज एक्शन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर किसी को लेना है तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है बड़ी टाइम फ्रेम पे क्या है चार्ट के स्ट्रक्चर उतने बिगड़े नहीं है करेक्ट तो ऐसा ही कोई गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिला हुआ था लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ सेम तरह से प्राइस गिरा है तो मैं यहाँ पर एक रिस्क लेना चाहूँगा बट मेरा रिस्क हमेशा होता है कैलकुलेटेड राइट right? और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जो करेंट मार्केट प्राइस है एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री रुपीज़ तो यहाँ पर ही एटलीस्ट पचास परसेंट क्वान्टिट्टी किसी को भी बाय कर लेना है तो आप ज़रूर से बाय कर सकते हो और फिर यहाँ से और भी गिरावट होती है सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव रुपीज़ के आसपास स्टॉक आपको देखने को मिलता है सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हो जाता है नीचे आ जाता है तो वहाँ पर अनदर फिफ्टी परसेंट क्वान्टिट्टी आपको बाय करनी चाहिए और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो है सेवन हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ का सो so, मोटा मोटी ज़्यादा रिस्क तो नहीं है एक कैलकुलेटेड रिस्क है काम करना है तो जरूर से कर सकते हो और वापस से स्टॉक रिक्लेम कर सकता है नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी का टारगेट करेक्ट तो रिस्क रिवर्ट रेशियो अच्छा है हमेशा हमें स्टॉक मार्केट में फोकस करना चाहिए रिस्क रिवर्ट रेशियो के ऊपर करेक्ट तो जितना अच्छा रिस्क रिवर्ट रेशियो होगा उतनी हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिटेबल प्रॉफिट प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी अब यही चीज मैं आपको मेरे इंडिकेटर के ऊपर भी दिखाता हूँ कि एफ के ऊपर तरह का प्राइजेक्शन बना हुआ है बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो देखा है ऐसा कोई इंडिकेटर एक बार बिठाया वो बिठाया की, बिठा के ही रखा है देख रहे हो क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है स्टॉक राइट क्या कॉन्फिडेंस मेरा इंडिकेटर क्या कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है इवन दो वीकली चार्ट देख लो यहां से बिठाया है एकदम बॉटम से राइट अप्रैल 2023 में ये स्टॉक 365 के आसपास था मल्टीबैगर बैगर एडवाइस साबित हुई है तो मेरे इंडिकेटर ने बोला ही नहीं है कि भाई बाहर निकलो और अभी भी मैं मैंने भी वही बताया है कि जो डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना को एक अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर हमें लेना चाहिए यहाँ पर भी ऐसा ही कोई प्राइस एक्शन हुआ था मैंने आपको बताया था जो फॉल्स आया था करेक्ट डेली चार्ट्स के ऊपर तो अभी नो डाउट यहाँ पर सेल का सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पर भी लॉन्ग एग्जिट आया था यहाँ पर भी लॉन्ग एग्जिट है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क मैंने जिस तरह से आपको नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन बताया है ना वो एक बार देख लीजिएगा और उसी तरह के का प्राइजेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में बड़ी टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आप जरूर से ले सकते हैं